तो ये है आईएफबी का वॉशिंग मशीन, ठीक है। इसमें आपको 70% कपड़े लोड रखने हैं, ठीक है, 30% खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ तक देखिए लोगो दिया गया है, यहाँ पर आपको डालने हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल ऑटोमेटिक प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ से पावर ऑफ ऑन करना है और ये दिया गया टोटल ऑटोमेटिक प्रोग्राम। इसमें फर्स्ट प्रोग्राम दिया गया क्रेडल वॉश, सेकेंड दिया गया वुलेन, कॉटन, कॉटन इको, मिक्स फैब्रिक, क्विक वॉश, एडिटिव या रिंस, ड्रेन, स्पिन, और ये स्टार्ट बटन दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडल वॉश। क्रेडल वॉश का यूज क्या होता है? क्रेडल वॉश मतलब होता है इसमें आपको कपड़े कैसे रखने हैं। जो जरी वाले जो होते हैं, जो कॉस्टली आते हैं, जरी वाला, जो कढ़ाई वाला जो होता है, जो गुड़िया वाला स्पेशल आता है, वो सब कपड़े आपको क्रेडल वॉश में यूज करने हैं। उसके बाद में आ रहा है यहाँ पे उलेन। उलेन के लिए स्पेशल आ रहा है, ऊनी कपड़े के लिए, इसमें ऊनी कपड़ा आपको यूज़ करना है। उसके बाद में आता है कॉटन। कॉटन सिर्फ सूती कपड़े के लिए, कॉटन कपड़े के लिए, इसमें उलेन कपड़े ही आपको यूज़ करने हैं। कॉटन कपड़े, इसमें कॉटन कपड़े ही आपको यूज़ करने हैं, और कॉटन नॉर्मल, जो नॉर्मली गंदा हो। और कॉटन इको में आ जाएगा। कॉटन नॉर्मल से भी जो हेवी गंदा रहता है, कॉटन इको में आपको धोने हैं वो कपड़े, ठीक है। उसके बाद में आएगा मिक्स फैब्रिक। मिक्स कपड़े के लिए, जैसे शॉर्ट पैंट, गंजी वगैरह, या इसमें कॉटन का भी है, सिंथेटिक है, सब कुछ मिक्स है, तो आपको मिक्स कपड़े, मिक्स फैब्रिक में धुलाएगा वो मिक्स कपड़े, ठीक है। उसके बाद में क्विक वॉश आता है। क्विक वॉश सबसे जल्दी के लिए दिया गया है। इसमें टाइम आपको बता दिया जाएगा, से टाइम आपको इसमें आपको लिया जाएगा 52 मिनट के आसपास में, क्रेडल वॉश के बाद, क्रेडल वॉश में, और उलेन में आपको लगभग 54 मिनट के आसपास में लिया जाता है। कॉटन में आपको 2 घंटा 1 मिनट लिया जाएगा, और कॉटन इको में आपको 2 घंटा 9 मिनट के आसपास में लेगा प्रोग्राम। उसके बाद मिक्स फैब्रिक 1.5 घंटा के आसपास में है, और ये क्विक वॉश आपको 30 मिनट में है। जैसे 30 मिनट में धोएगा, खा लेगा और सुखा के आपको दे देगा। ये सब जो है, जितना सब ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, सब में धोएगा, खा लेगा और सुखाएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सब में धोएगा, खा लेगा और सुखा के आपको कपड़े को दे देगा। क्विक वॉश है जल्दीबाजी के लिए, जैसे 2-4 कपड़े हैं कम गंदे हैं, धोना चाहते हैं आप उसमें जल्दीबाजी में, तो ये आप क्विक वॉश में धो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रिंस दिया, ये आपको एडिटिव या रिंस दिया गया है। जो एडिटिव जो लास्ट में यूज करते हैं, डेटॉल वगैरह, सॉफ्टनर वगैरह, आप वो सब यूज कर सकते हैं लास्ट में ये वाले प्रोग्राम में, या सिर्फ रिंस कर सकते हैं। जैसे बाहर हाथ से धो लिए हैं, सिर्फ इसमें खाना चाहते हैं मशीन में कपड़े, तो ये रिंस वाला प्रोग्राम ला के आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है इस, और यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है ड्रेन या स्पिन, ठीक है। आपको पानी निकालने हैं मशीन में से, तो ड्रेन भी कर सकते हैं, प्लस में आप स्पिन भी कर सकते हैं। जैसे बाहर हैंड वॉश कर लिए, यहाँ से धो लिए, खाना भी लिए, बाहर कोई गीला कपड़ा है जो सुखाना चाहते हैं मशीन में, तो आप यहाँ से ड्रेन प्लस स्पिन करके यहाँ से आपको स्टार्ट कर देने हैं, वो कपड़े को सुखा देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया गया है, जब आप मशीन चलाइएगा तो वॉश करेगा तो वॉश पर इंडिकेट करेगा, उसके बाद में रिंस प्लस स्पिन करेगा तो रिंस प्लस स्पिन पे ये वाला इस पर इंडिकेट करेगा, जब एंड हो जाएगा प्रोग्राम तो एंड पे इंडिकेट करेगा, जब ये डोर लॉक खुल जाएगा तो ये डोर पे इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये मशीन ऑन होने के बाद ये डोर लॉक हो जाता है, उसके बाद खुलता नहीं है। जब ये ऐसे खुल जाएगा पूरा डोर लॉक, तब ये इस पर इंडिकेट करने लगेगा। उसके बाद में मशीन में कोई दिक्कत आएगा तो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। आप आईएफबी को कांटेक्ट कर सकते हैं, या उसके टेक्नीशियन को कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं, या इसके बुकलेट में भी इसका सॉल्यूशन लिखा रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ पे दिया गया है वॉश मोड दिया गया, जैसे पानी को गर्म करना है तो यहाँ से होगा ये, ठीक है। जैसे वार्म पे अभी है, ठीक है, अभी वार्म पे है, ये वाला ब्लिंक कर रहा है और ये वार्म पे है अभी, ठीक है। जैसे इसमें जब इस मशीन को चलेगा, मशीन चलेगा तो इसमें सिर्फ पानी सुसुम होगा, ठीक है। सुसुम पानी करके कपड़े को धोएगा, उसके बाद में एक और दबाइएगा तो ये हॉट पे आ जाएगा, तो हॉट पे आ जाएगा तो इसे बहुत ज़्यादा गर्म पानी करेगा और कपड़े को धोएगा। उसके बाद में दोनों ब्लिंक करेगा तो ये कोल्ड पे आ जाएगा, ये कोल्ड पे आ जाएगा तो जो टंकी से जो पानी आएगा उसी से धोएगा कपड़े को, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर रैपिड वॉश दिया गया है। रैपिड वॉश का जब इसको दाब दीजिएगा तो रैपिड वॉश में क्या करें, जैसे कॉटन में 2 घंटा ले रहा है तो उसमें थोड़ा जल्दीबाजी हो जाता है, जल्दी मतलब जल्दी जल्दी कपड़ा धोने लगता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है रैपिड वॉश दाबने से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर चाइल्ड लॉक दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ मशीन चला के यहाँ से स्टार्ट करेंगी तो इसको 3 सेकंड तक प्रेस करने पे चाइल्ड लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर कोई बटन वगैरह काम नहीं करेगा, जैसे बच्चा वगैरह आता है बीच में छेड़छाड़ करने लगता है तो नहीं होगा। ऐसे चाइल्ड लॉक यहाँ पे आ गया, अब इसको घुमाएंगे कुछ भी करेंगे इसका प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हटाना हो फिर दोनों को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे, ये चाइल्ड लॉक हट जाएगा, ठीक है। यहाँ हट गया और यहाँ से हम अब काम करेगा ये, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब ये प्रोग्राम कैंसिल करना हो, जैसे ये प्रोग्राम चेंज नहीं हो रहा है मेरा तो कैंसिल करना हो तो इसको 3 सेकंड तक प्रेस कीजिएगा तो ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से प्रेस कर रहिएगा ये कैंसिल हो जाएगा पूरा ऑटोमेटिक, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था IAB वॉशिंग मशीन, यहाँ पे आपको लिक्विड डिटर्जेंट डालने हैं, ठीक है। यहाँ से आप लिक्विड डिटर्जेंट डालते हैं, सर्फ अगर डाल रही हैं तो इसको निकाल लीजिएगा बाहर और ये सर्फ डालिएगा इसमें। ये सर्फ जो डालिएगा वो स्पेशल सर्फ रहना चाहिए जो एरियल मैटिक फ्रंट लोड टाइप का आता है उस टाइप का, या तो आप IAB का लिक्विड इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐसा लिक्विड आता है IAB का, इस टाइप का लिक्विड आएगा। ये 335 रुपये का 1 लीटर पड़ेगा IAB का लिक्विड।